नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे एक बार फिर से। तो सबसे पहले उन सारे भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, जो मेरे वीडियोस को देखते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं और क्वेश्चन पूछते हैं, जो मेल भेजते हैं। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूँ, मैंने एक्चुअली अपने चैनल के एक मेरे सब्सक्राइबर हैं दोस्त भाई बहुत अच्छे हैं, आशीष जी, उन्होंने एक मेल किया था मुझे कि एक्चुअली मेरी गलती थी, मैंने यूट्यूब की गाइडलाइंस को नहीं पढ़ा। तो जो मेरा बैंक निफ्टी हैक HAK जो एक शब्द था वो काफ़ी वो थोड़ा सा वनरेबल था, और उन्होंने मुझे ये इंटीमेट किया मेल, उन्होंने बहुत अच्छा मेल लिखा था। फिर मैंने दो एक दो दिन मुझे लगे, 3 दिन मैंने उनकी गूगल यूट्यूब की सारी गाइडलाइंस पढ़ी, तो मुझे समझ में आया कि वाकई में वो शब्द में बहुत दिक्कत है। तो मैंने उसको चेंज करके अब हो गया बैंक निफ्टी टॉक, बाकी सब कुछ सेम है। तो और भी किसी को कुछ अपने सजेशन या कुछ भी वो मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दे या मुझे मेल लिख के दे दे, अगर वो बहुत जेन्युइन होगा मैं बिल्कुल उसको इम्प्लीमेंट करूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर एक देना चाहूंगा कि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, जो इस चैनल पे जो भी वीडियो बनाता हूँ, वो सारा का सारा मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस होता है जो कि मैं शेयर करता हूँ। इसके अंदर मैं नीतीश सर और भी जो गुरु हैं उन सब गुरु को उनकी मैं सारी बातें सुनता हूँ, उनके सारे वीडियोज़ को देखता हूँ, उनकी सारी स्ट्रेटजी को पढ़ता हूँ, समझता हूँ, समझने के बाद लाइव मार्केट में इंप्लीमेंट करता हूँ और ये देखता हूँ कि इसके अंदर मेरे हिसाब से, क्योंकि वो एक बताते हैं बहुत जेनरिक स्ट्रेटजी, बहुत जेनरिक होता है वो, एक मतलब जेनरिक बोलो या फिर उसको एक बाय डिफॉल्ट टाइप की स्टडी होती है, वो स्ट्रेटजी होती है। तो मैं उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करता हूँ और उसके बाद फिर मैं उसमें थोड़ा सा जो भी चेंज करके या फिर लॉजिक में चेंज या जो भी, क्योंकि मैं हमेशा लॉजिक पकड़ता हूँ, थॉट प्रोसेस पकड़ता हूँ, मैं कभी भी शब्दों पर नहीं जाता, तो वो मैं सारा करता हूँ। तो प्लीज़ आप लोगों को, मैं ये चैनल सिर्फ, अगर आप मेरे वीडियोस को देखते हैं तो आप मेरे वर्ड को मत पकड़िएगा, आपको अगर कुछ सीखने को मिले तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जैसे नीतीश सर हैं वो अपने इतना बहुमूल्य ज्ञान, उस ज्ञान की कोई कीमत नहीं है, ऐसा ज्ञान आपको नहीं मिलेगा कहीं पर भी। अगर वो ज्ञान देते हैं तो उसको प्लीज़ उसके लॉजिक को पकड़िए, वर्ड को मत पकड़िएगा। तो मैं जब H20 और 12 जब करता हूँ तो मैं उसमें बहुत सारे कंपोनेंट को ध्यान में रखता हूँ, उसमें से मैं कुछ कंपोनेंट यहाँ डिस्कस करूंगा आप लोगों से, हो सकता है शायद आपको उससे कुछ बेनिफिट मिले। तो सबसे पहले तो बहुत सारे, मतलब मैंने जितने भी मेल अभी तक रिसीव किए हैं और जो जितने भी कमेंट बॉक्स में कमेंट आए हैं, उनमें से किसी को भी नहीं पता, उनमें से सिर्फ कुछ लोगों को छोड़ करके, 5% को छोड़ करके, किसी को इंट्रेंसिक वैल्यू और चिप्स और टाइम वैल्यू, एक्सट्रेंसिक वैल्यू बोले या हवा बोले, वो पता ही नहीं होता कि उसको निकालते कैसे हैं, किस स्ट्राइक प्राइस पे कितना हवा होता है, कितना चिप्स होता है, हमें जो है सो कौन सा लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया, क्वेरी किया, एक भाई ने तो मैसेज कर दिया, कमेंट लिखा कि मेरा तो जो स्ट्रेटजी बकवास है H12, मेरा तो जितना पैसा इकट्ठा किया मेरा सब लॉस हो गया, मेरा तो 5,000 लॉस हो गया, मेरा 6,000 लॉस हो गया। दूसरे के ऊपर गलती थोप देना वो तो बहुत आसान है, मगर अपने आप को शीशे में जाके देखो कि आपने गलती क्या करी, आपके पास क्या ज्ञान था, आपके पास क्या बेसिक ज्ञान था, कुछ भी नहीं था। अब मैं आपको बताता हूं इसके अंदर कि इंट्रेंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू, चिप्स और हवा आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। नीतीश सर का अगर आप वीडियो बहुत ध्यान से देखें ना, तो वो हमेशा क्यों कहते हैं कि आपको मैक्सिमम लॉस 25 पॉइंट का होगा, अगर वो आपको 225 या 230 का सम कहते हैं स्ट्राइक प्राइस का, तो उसमें 200 रुपये इंट्रेंसिक वैल्यू होती है और 30 रुपये हवा होती है, तो जैसे जैसे टाइम जाएगा तो आपका सिर्फ 30 रुपये जो होगा वो सिर्फ, क्योंकि जो हवा होगी वो हवा होगी, बाकी जो चिप्स होगा आपका वही रहेगा, इंट्रेंसिक वैल्यू आपकी वही सेम रहेगी, वो कहीं जाने वाली नहीं है। इसीलिए वो कहते हैं कि आपको 25 से 30 पॉइंट का मैक्सिमम लॉस होगा, मगर हमें सबसे पहले तो वो ढूंढना है उसके अंदर कि वो स्ट्राइक प्राइस है कौन सा। दूसरी चीज, हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट साइडवेज हो जाएगी, साइडवेज मार्केट में काम नहीं करती, ऑप्शन बायर के लिए नहीं होता साइडवेज मार्केट, साइडवेज मार्केट होता है ऑप्शन सेलर के लिए। हमें कैसे पता चलता है, चलेगा कि मार्केट आज साइडवेज होगी, तो वो मैं डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंट्रेंसिक वैल्यू हवा और चिप्स को आप निकालोगे कैसे, तो मैं आपको लेके चलता हूं, ये आगे NSE की वेबसाइट है, ये ऑप्शन चेन है, ये सिर्फ मैं आपको आपके रेफरेंस के लिए मैं दिखाना चाहता हूं। अब जैसे कि स्पॉट का प्राइस अभी चल रहा है 36,100 रुपये, ठीक है, तो अब आपको इसमें निकालना है कि कॉल साइड का इंट्रेंसिक वैल्यू क्या है और कितनी है और पुट साइड की कितनी है, सिंपल है उसका। अब देखिए, अब जैसे कॉल साइड, ये वाला जो साइड है कॉल है, ये वाला जो साइड है पुट है, एक सेकेंड, तो आप ये देखिए, ये वाला जो साइड है ये कॉल साइड है, ये वाला साइड ये पुट साइड है।
सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट बताते हैं, कॉन्सेप्ट बेसिक सेम रहेगा। अब जैसे 36200 का यहाँ पर अभी स्ट्राइक प्राइस चल रहा है, और सॉरी 3600 का स्ट्राइक प्राइस चल रहा है, इसका अभी जो है सो लॉट प्राइस है 464 रुपये। अगर आप 36,000 रुपये का अगर सी खरीदते हैं, आप देखिए तो ये है 518 का। अब आपको कैसे पता चले कि 36,000 के अंदर कितनी हवा है और कितना चिप्स है? सिंपल, स्ट्राइक प्राइस जो स्पॉट प्राइस जो चल रहा है उसमें से आप इसको माइनस कर दीजिए, तो कितना पॉइंट का डिफरेंस आया? 100 पॉइंट का डिफरेंस आया, ठीक है जी। अब आप इसका 36,000 का रेट देखिए, तो यहाँ पे 518 रुपये 55 पैसे, मतलब इसमें सिर्फ 100 रुपये चिप्स है, बाकी सारा का सारा हवा है। मैं आपको एक काम और करता हूँ, मैं आपको ना एक्सेल, सॉरी मैं आपको जो है एक्सेल में और बताता हूँ, एक्सेल में क्या टेक्स्ट खोल देता हूँ मैं, नोटपैड खोल देता हूँ और यहाँ पर आपको मैं टाइप करके बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जो अपना स्ट्राइक प्राइस, वो चल रहा है अपना 36,100, ठीक है जी। अब अगर आप सपोज, अब मैं यहां पर एक करता हूं, यहां लिख देता हूं चिप, सॉरी चिप्स, एक सेकेंड, स्ट्राइक प्राइस अगर हम, ये हो जाएगा सीई का। अब सी का स्ट्राइक प्राइस आप लेते हो 36,000। एक मैं ऊपर का लेके दिखाऊंगा, एक मैं नीचे का लेके दिखाऊंगा, ठीक है जी। और इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, 35,900 का, ठीक है। 36,000 का जो रेट चल रहा है, 36,000 का जो रेट सी का है 518 रुपये, 35,900 का, सॉरी 35,900 कह रहा हूँ, यहाँ पर आएगा 36,000 हमारा जो स्पॉट प्राइस है ना, तो 36,200 मैं कर देता हूँ, एक एक ऊपर एक नीचे, 36,200, और 36,200 का है 414 रुपये, ठीक है। अब आपको इसमें से हवा और चिप्स कैसे निकालोगे, तो मैं यहाँ पर अब नीचे करता हूँ हवा और इसके आगे कर देता हूँ चिप्स, तो इसके अंदर हवा कितनी है? ये बिल्कुल, ये देखिए ये इन द मनी है, इसको हम कहते हैं ITM, जो कि उसके अंदर है, ये कहते हैं इसको OTM, आउट द मनी, ठीक है जी। अब इन द मनी का और का कितना निकालोगे? अच्छा इसका और मैं कर देता हूँ, ये स्ट्राइक प्राइस है तो 36,100 का भी क्या रेट है? 464 रुपये, ठीक है। अब इन तीनों का मैं बताता हूँ आपको, देखिए मैं हो सकता है मैं ठीक से ना समझा पा रहा हूँ, क्योंकि मैं मतलब अभी उतना एक्सपीरियंस नहीं है मुझे इन सब चीज़ों को समझाने का, तो अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे आप बेयर करना उस चीज़ को, आप लॉजिक को समझना, मेरे तरीके को मत समझ, मतलब मेरे वर्ड को मत पकड़ना, आप लॉजिक को समझना। अब आप देखिए यहाँ पर हवा और चिप्स, 36,100 रुपये स्पॉट प्राइस चल रहा है, और आपका जो इन द मनी कहते हैं अंदर वाली को, तो 36,000 मतलब इसमें 100 रुपये का डिफरेंस है, तो यहाँ पर आपका 100 रुपये तो आपका हवा हुआ, सॉरी 100 रुपये का चिप्स हुआ, और 414 रुपये, 418 रुपये का इसमें आपका, और 100 रुपये का इसमें सिर्फ हवा है और चिप्स है, बाकी 418 रुपये इसमें हवा है। आप देखिए कि इसके अंदर कितनी ज़्यादा इसमें हवा है, आपका ये वैल्यू बिल्कुल जीरो हो जाएगा जैसे जैसे ये जाएगा ना, या फिर आपके स्ट्राइक प्राइस से जैसे जैसे मार्केट नीचे आता चला जाएगा, ये बहुत तेज़ी से घटेगा पैसा, फिर आप बोलोगे यार पैसा बहुत तेज़ी से घट गया। उसके बाद आप OTM को देखिए, और दूसरी चीज़ एक और बताता हूँ, 36,100 का ही अगर आप लेते हो तो इसके अंदर टोटल हवा होती है 464 रुपये, इसके अंदर जो चिप्स होता है वो जीरो होता है, क्योंकि आप जब इसको 36,100 को 36,100 से माइनस कर दोगे तो जीरो आएगा। उसके बाद उसी तरह से OTM 36,200, मतलब ये 36,100 से ऊपर है, मतलब 36,100 में से अगर 36,200 को आप माइनस करोगे तो माइनस में वैल्यू आएगी, क्योंकि माइनस और जो चिप्स होता है हमारा, जो इंट्रेंसिक वैल्यू होती है, वो कभी जीरो नहीं हो सकती, वो नेगेटिव में नहीं आ सकती, जीरो के, सॉरी मैं गलत कह रहा हूँ, वो नेगेटिव में नहीं हो सकती, वो जीरो में होती है मैक्सिमम, उसका जो मिनिमम वैल्यू होता है जीरो। तो इसके अंदर जो OTM होगा ये भी आपका टोटल जो है सो हवा होगा, और ये इसका भी जो इंट्रेंसिक वैल्यू या फिर चिप्स होगा वो जीरो होगा। तो आपको जब भी
आपको सबसे पहले तो ये देखना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि अगर प्रीमियम बहुत ज़्यादा है, प्रीमियम अगर बहुत ज़्यादा है तो आपको, मैं उस दिन में ये नहीं करता क्योंकि उस दिन हवा ज़्यादा होती है, चिप्स बहुत कम होता है, तो उसमें रिस्क बहुत बड़ा होता है। जितना हवा होगा उतना रिस्क होगा। अगर आपका 500, अगर आप इसमें देखिए, अगर इसमें ये टोटल, अगर इसका प्राइस 518 रुपये, तो इसमें सिर्फ 100 रुपये का चिप्स है, तो मतलब ये जीरो नहीं होगा बाकी, मगर 418 रुपये जीरो हो जाएगा, और इन दोनों में तो पूरा ही जीरो हो जाएगा, जो एट द मनी से ऊपर ऊपर जो भी होता है, जितने दूर चले जाते जाओगे सब जीरो, सब हवा होता है, सब जीरो हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ कि जब मैंने देखा कि प्रीमियम की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अब प्रीमियम किसे कहते हैं? प्रीमियम इसे कहते हैं, ये जो हवा होती है ना, इसको हम प्रीमियम कहते हैं। और ये चिप्स, वैसे तो इन दोनों को मिलाकर के प्रीमियम अमाउंट ये होता है, मगर हम अगर इसको बाइफरकेट कर दें कि जो हमारा लॉस होता है, जो हमारा रिस्क होता है, वो रिस्क होता है वो हमारा हवा, आप ये देखिए। तो आपको जो है सो हवा का रिस्क लेना है, और हवा मैक्सिमम 30 रुपये का होना चाहिए आपका। अगर 30 रुपये नहीं होगा, जितना ज़्यादा हवा होगा आपका उतना बड़ा लॉस होगा। तो सबसे पहले तो आपको ऑप्शन चेन में देखना होगा, या फिर जो भी है आपको स्ट्राइक प्राइस देखना होगा कि अभी हवा और चिप्स कितनी है। उसके बाद मैं बताता हूँ, हवा चिप्स के बाद, ये मैंने दोनों बता दिया आपका, इंट्रेंसिक वैल्यू बता दिया और चिप्स बता दिया, विक्स वर्सेस आईवीज। आईवी क्या होता है वो भी मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। देखिए हर किसी का होता है, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी कहते हैं इसको। अभी तो देखिए 25-26 है, नॉर्मल है, मतलब 20 से 25-26 रहता है, नॉर्मल होता है। आपको ये देखना होगा अगर उस समय ये 25 से ऊपर होता है, ये भी वैसे ज़्यादा है, 20, 22, 23 नॉर्मल होता है, ये भी थोड़ा सा ज़्यादा हो, अगर ये 25 से ऊपर है तो उसकी वजह से अपना जो है सो प्रीमियम बढ़ जाता है। ये वोलेटिलिटी बताता है कि मार्केट कितनी वोलेटाइल है एक बार में, मतलब एक एक कैंडल। अब वोलेटाइल आपको कैसे पता चलेगा? आप 1 मिनट की कैंडल को देखिए, एक एक मिनट की कैंडल आपकी 50, 60, 70 पॉइंट की बनती है। इसका मतलब ऊपर की तरफ बनेगी 50, 60 ग्रीन, अगली फिर जो है सो रेड भी बन जाएगी 50, 60। तो इस तरह की अगर 50 पॉइंट से ऊपर एक एक मिनट की सिंगल सिंगल कैंडल बनती है, और उसकी एवरेज ज्यादा होती है, माने एज यूजल, जैसे अगर सपोज एक दिन में आपकी 100 कैंडल बनी, और 100 में से अगर आपकी 70 कैंडल इस तरह की बनती है, या 50 कैंडल भी इस तरह की बनती है, समझ जाओ कि उस दिन मार्केट बहुत वोलेटाइल है, उस दिन आपका प्रीमियम का वैल्यू बहुत हाई रहेगा। उसके बाद मैं आपको तो बताता हूँ विक्स। विक्स क्या होता है? विक्स को कहते हैं फियर इंडेक्स। फियर इंडेक्स का क्या मतलब होता है? कि मार्केट में डर पैदा हो जाता है, मार्केट गिर रही है, सारे लोग एकदम से टूट पड़ेंगे पुट खरीदने पे या फिर शॉर्ट सेलिंग करने के लिए, डर के मारे, लॉजिक नहीं होता उसमें कुछ भी, तो वो डर होता है। और वो डर किसी भी चीज़ का हो सकता है, हो सकता है मार्केट में कोई न्यूज़ आ गई कि भाई इंडिया और चाइना की वहाँ पर जो है सो बॉर्डर में कुछ टेंशन बढ़ गई, गोलीबारी हो गई, 2-4 सैनिक मर गए, फियर आ गया। पाकिस्तान से तो खैर चलता ही रहता है, उससे तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, या फिर जैसे और भी कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, या जैसे US मार्केट में रिसेशन आ गया, यूरोपियन मार्केट में रिसेशन आ गया, तो उस वो जो फियर होता है वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है इसका। उस समय भी आपका जो है सो विक्स बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, मार्केट फियर में, मार्केट में फियर बढ़ेगा, फियर बढ़ने के बाद क्या होगा कि आपका प्रीमियम का वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हवा रहेगी उसमें 90%, चिप्स रहेगा 10%। उस समय भी आपको, अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो बिल्कुल नहीं करना है, और ऑप्शन सेल तो बिल्कुल भी नहीं करना, जीरो ही करना है, बिल्कुल अपना मस्त बैठ जाइए, सिस्टम विस्टम बंद करके बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि तो इस तरह के ट्रेंडिंग मार्केट में अगर आपको एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं बाइंग में। तीसरी चीज में देखता हूँ हिस्ट्री। हिस्ट्री का मतलब क्या होता है कि आप जैसे आज एक्सपायरी में खड़े हैं, आप पिछले 4 एक्सपायरी को देखिए पिछले महीने की, वो 4 एक्सपायरी जो थी उसका जो ट्रेंड था वो क्या था। सबसे पहले जैसे आज थर्सडे है सपोज, पिछले जो बिल्कुल लास्ट थर्सडे होगा उसको देखिए, उसको क्या है, वो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है कि नहीं है, या साइडवेज था, उसके पीछे देखो क्या था। सपोज अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि जैसे लास्ट, आज थर्सडे है, लास्ट थर्सडे मैंने देखा कि मार्केट बहुत भयंकर, उसमें एक ट्रेंडिंग मूव था, मतलब एक तरफ कहीं पर भी वो 700-800 पॉइंट मूव कर गया। उसके पिछले हफ्ता भी वैसे ही रहा, ट्रेंडिंग रहा मार्केट, मगर 700-800 नहीं था, 400-500 पॉइंट का मूव किया। उसके पहले हफ्ता जो है सो मार्केट एक रेंज बाउंड था, पर रेंज बाउंड कितना था, 300 पॉइंट के बीच में। उसके पहले मार्केट बिल्कुल ही रेंज बाउंड था, मतलब 100 पॉइंट के नीचे, बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट कुछ नहीं होता है, वो बिल्कुल उसी में रेंज बाउंड था। तो आप बताइए कि आज की मार्केट में 5वां सप्ताह कैसे ट्रेंडिंग हो सकता है, वो हो ही नहीं सकता। मार्केट जब एक रेंज बाउंड थी, धीरे धीरे बढ़ती गई, उसके बाद उसने जो अपना रेंज बढ़ा के 100 पॉइंट से लेकर के वो 900 पॉइंट तक ले आया रेंज, पक्की बात है कि वो जो 5वां दिन आएगा, 5वां सप्ताह आएगा, वो बिल्कुल फिर 100 पे आ जाएगा, वो सुस्ताएगा, वो थक चुका है भाग भाग के रेंज में, वो थक गया है, वो सुस्ताएगा।
और जब सुस्त आएगा तो आपको तो उस मौसम में बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि उसमें ना कैंड वॉल्यूम नहीं बनेगी। 100 पॉइंट का आपका ऊपर नीचे खाली एक ब्रैकेट होगा, उस ब्रैकेट में घूमेगा वो। टोटल वो मार्केट सेलर के लिए होता है, ऑप्शन सेलर के लिए, बायर के लिए तो बिल्कुल नहीं होता। तो उस वाले कंडीशन में तो आप, मैं बिल्कुल भी नहीं करता, जैसे कि हमारा पिछले थर्सडे था, इसीलिए मैंने उसमें नहीं लिया। और भी फैक्टर है, वो फैक्टर मैं बताऊंगा अगली लर्निंग वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई दिक्कत, कोई डाउट आया तो प्लीज़ आप मुझे कॉमेंट करें और मुझे मेल करें। धन्यवाद।